दोस्तों नमस्कार। एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज और विकेटकीपर माने जाते रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी राय दी है तमाम टीमों को, उन टीमों को जो भारत के खिलाफ खेलने जा रही हैं। सेमीफाइनल मुकाबला भी खेलना है, फाइनल मुकाबला खेलना है और अभी नीदरलैंड को भी खेलना है एक मुकाबला, आखिरी लीग मुकाबला। और भारतीय टीम सभी 8 के 8 मुकाबले जीत गई है और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पहले, भारतीय टीम के खिलाफ जो भी टीम उतरती है उसको पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपको सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि भारतीय टीम चेज मास्टर मानी जाती है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ये चेज मास्टर है और रनों का पीछा करके मुकाबले बहुत सहजता के साथ जीत जाती है, लेकिन फिर भी आप इनको जो है पहले जो है आप बैटिंग करो, उनको बैटिंग मत दो, यानी पहले बैटिंग जो है टॉस जीतकर जीतने वाली टीम जो है पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करेगी उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। उसकी वजह उन्होंने बताई है कि जब फ्लड लाइट्स होती हैं तो उस समय मोहम्मद शमी, बुमराह और सिराज अनप्लेबल हो जाते हैं, काफ़ी हद तक अनप्लेबल हो जाते हैं, इनको खेलना इतना आसान नहीं रहता, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको फ्लड लाइट्स में गेंदबाजी कराने की बजाय इनको दिन में आप गेंदबाजी कराएंगे तो इनके प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, ऐसा कहना है इनका, एडम गिलक्रिस्ट का। वैसे भी हम आपको याद दिला दें कि मोहम्मद शमी अब तक 16 विकेट चटका चुके हैं, जसप्रीत बुमराह के नाम 15 विकेट हैं और उसके अलावा रविंद्र जडेजा जो है 14 विकेट चटका चुके हैं, कुलदीप यादव को 12 विकेट मिले हैं और 10 विकेट मोहम्मद सिराज को भी हासिल हुए हैं। तो एक यूनिट की तरह एक मुकम्मल तौर पर भारतीय क्रिकेट गेंदबाजी अटैक जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उस जो तमाम टीमें इस वक्त तमाम टीमों में चर्चा का विषय यही है, भारत का तेज़ गेंदबाजी आक्रमण जो अमूमन पहले आप कभी भी याद कीजिए वर्ल्ड कप के जितने भी मुकाबले होते थे या कोई द्विपक्षीय सीरीज ही क्यों नहीं होती थी, उसमें भी कोशिश यही होती थी कि जो भारत की जो बल्लेबाजी है उसको रोको, क्योंकि बल्लेबाजी भारत की विशिष्ट पहचान हुआ करती थी। इस बार बल्लेबाजी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है लेकिन गेंदबाजी अद्भुत है, बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका कहना है कि फ्लड लाइट्स में ये तीनों गेंदबाज बहुत खतरनाक साबित होते हैं, इसलिए उनको वो मौका मत दो और वो तभी मुमकिन है जब आप टॉस जीतेंगे और पहले बल्लेबाजी चुनेंगे, तभी आप भारत के बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगा सकते हैं। भारत ने वैसे ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और ऑस्ट्रेलिया को 200 रन नहीं बनाने दिए थे भारतीय गेंदबाजी अटैक ने। अपनी राय दें, गिलक्रिस्ट की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।